नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिल्ली का बार बार घर में आना। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान दौर में घरों में बिल्ली पालने का चलन बढ़ा है, लेकिन बिल्ली पालने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। कई पुरातन कथाओं में बिल्ली को लेकर कई जरूरी बताई गई है कि उनके हमारे आसपास होने से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कई जगहों पर बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोग बिल्ली की पूजा करते हैं। कई पुरातन कथाओं में बिल्ली का संबंध हमारे पितरों से भी बताया गया है। क्या अशुभ होती है बिल्ली? कई बार यह देखा गया है कि लोग बिल्ली के घर में घुस आने पर उसे भगाने का प्रयास करते हैं। कई लोग बिल्ली के रास्ता काट देने पर भी उसे अशुभ मानते हैं। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्ली का बार बार घर में आना शुभ नहीं माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार घर में जहाँ जहाँ पर बिल्ली के पैरों की पच्चाप पड़ती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए बिल्ली के बार बार घर में आने से घर में अशुभ प्रभाव बढ़ने लगता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जिस घर में बिल्ली लगातार आती जाती रहती है उस घर में लोगों के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। क्या घर में बिल्ली आने से होता है नुकसान? ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के बार बार घर में आने से घर के मालिक पर मानसिक तनाव बढ़ जाता है और घर के सदस्यों के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। बिल्लियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आपने भोजन करते समय बिल्ली को देख लिया तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकता है। इसी तरह अगर बिल्ली आपके घर में मलमूत्र का त्याग कर रही है तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्लियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें आने वाली किसी भी आपदा के बारे में पहले से ही एहसास हो जाता है। अगर आपके घर की पालतू बिल्ली एकदम से कहीं चली जाए तो यह जान लीजिए कि आपके घर में आने वाले कुछ दिनों में कुछ अशुभ घटना हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।